नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर इन दिनों खूब चर्चा चल रही है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान स्पीकर की भूमिका बेहद अहम होती है, यही वजह है कि इसको लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर स्पीकर पद बीजेपी के पास रहता है तो यह विपक्ष के लिए नहीं बल्कि एनडीए के घटक दलों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। मोदी सरकार तीसरी पारी में मंत्री पदों के बंटवारे के बाद अब सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर के पद पर टिक गई हैं। इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए के प्रमुख घटक दलों जेडीयू और टीडीपी को सुझाव दे रहे हैं कि स्पीकर का पद वो अपने पास रखें, जबकि एनडीए के साथियों का मानना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते स्पीकर पद पर पहला अधिकार बीजेपी का है। इन सब के बीच खबर है कि विपक्ष ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग करी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो इंडिया गठबंधन स्पीकर पद के लिए अपना साझा उम्मीदवार उतार सकता है। दरअसल मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद से ही नई लोकसभा का स्पीकर किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, इसलिए कयास लगने शुरू हो गए हैं कि स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास भी जा सकता है। इन सब के बीच एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते स्पीकर पद पर पहला हक बीजेपी का है। स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार। विपक्ष के इन आरोपों पर कि बीजेपी स्पीकर पद का इस्तेमाल घटक दलों के सांसदों को तोड़ने के लिए करेगी, केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता पार्टी युवा जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनडीए के घटक दलों को चेतावनी दी थी। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में अशोक गहलोत ने लिखा था कि अगर बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की तरफ से किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को नहीं भूलना चाहिए। इनमें से कई राज्यों में स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी बीजेपी का स्पीकर बनने पर 3 नुकसान गिना चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो उससे 3 नुकसान होंगे। पहला, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। दूसरा, सांसद मार्शलों के द्वारा घसीटे जाएंगे, बाहर फेंके जाएंगे। और तीसरा ये कि आरएलडी, जेडीयू और जेडीएस जैसी पार्टियों को तोड़ा जाएगा। लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता भले एनडीए के घटक दलों को लाख सलाह मशवरे दे रहे हो, लेकिन उन सुझावों का कितना असर हो रहा है आप इन बयानों से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में विपक्ष का नेता कोई नहीं था जो एलिजिबल कंडीशन है उसको क्वालिफाई करने की कि मिनिमम यू हैव टू 10% एमपीज ऑफ द टोटल हाउस, वो नहीं थे। 55 चाहिए थे, 44 थे। और 2019 में भी जो 54.3 चाहिए थे यानी कि 55, वो केवल मात्र 52 थे। ये दुर्भाग्य की बात है देश की। ये तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाने की स्थिति में नहीं रहे, अब के नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में केवल आए हैं
तो ये औरों का ध्यान रखना छोड़ें, अपना ध्यान रख लें। और हमारे सारे मिनिस्टर ने शपथ ले ली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शपथ ले ली है और डिक्लेयर हो गए हैं कि कम से कम अपना नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसे तैयार कर लें, बजाय लोकसभा अध्यक्ष में इंटरफेरेंस करने की। जिसकी जो हैसियत है, जिसकी जो जगह है, वो वहीं रह के अपने आप को ही संभाल ले बस। मुझे लगता है कि भाई स्पीकर किसको बनाना है ये अधिकार माननीय नरेंद्र मोदी जी इनका है, और जो हमारे इंडिया के सभी पार्टनर है एक साथ बैठ करते ये करेंगे। एक तो किसको दे देना है, टीडीपी को दे देना है या जेडीयू को देना है या बीजेपी के किसी उम्मीदवार को दे देना है, साउथ का देना है कि नॉर्थ का देना है, इसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे। ये सच है कि देश में पहले बनी गठबंधन की सरकारों में घटक दलों को स्पीकर का पद दिया गया है। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर बने थे। वहीं यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआईएम के स्पीकर रह चुके हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए के भीतर जोर शोर से मंथन चल रहा है। उधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज एक बड़ी बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है। पीएम मोदी के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शाह ने सुरक्षा अधिकारियों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने और किसी भी कीमत पर उसे फिर से पनपने नहीं देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद समर्थकों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा है। गृह मंत्री ने शीर्ष अधिकारियों को जम्मू में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए मानव खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कहा। साथ ही उन रास्तों या बिंदुओं को बंद करने पर भी जोर दिया जहां से विदेशी आतंकवादी इस तरफ घुसने में कामयाब हो रहे हैं। बैठक में कश्मीर और जम्मू के सभी पर्यटक स्थलों की सुरक्षा की योजना पर भी चर्चा हुई और आतंकवादियों की ओर से संभावित हमलों को रोकने के उपायों को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमलों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बैठक में अधिकारियों से अमरनाथ यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा, कवर यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, राजमार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने, साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि इन पर अमल करते हुए जल्द ही जम्मू कश्मीर के हालातों में सुधार लाया जाएगा। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और अब उस समस्या की बात करेंगे जिसकी चर्चा हम अपने न्यूज नाउ के प्रोग्राम में रोज करते हैं। पानी की समस्या से जूझ रही दिल्ली की जनता टैंकरों के भरोसे है। इसी बीच जल मंत्री आतिशी मार्देना ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। आतिशी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इल्जाम लगाया कि कोई है जो पहले से ही मौजूद पानी की समस्या को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी मार्देना ने बड़ा इल्जाम लगाया है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर पहले से मौजूद पानी की समस्या को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि संदर्भ में दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर मुख्य पाइपलाइन की सुरक्षा की मांग की गई है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता भीषण जल संकट से जूझ रही है, ये समय राजनीति का नहीं है। कि अभी दिल्ली में सीवियर हीट वेव भी चल रही है और पानी का क्राइसिस भी चल रहा है, लेकिन इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल जो साउथ दिल्ली की राइजिंग मेन्स है, जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है,
कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, चार चार पांच पांच सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है, और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, अभी ये तो जग जाहिर है कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा होगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये गंदी राजनीति का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहां पे दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉन्ड पर जाएंगे जहां पर यमुना का पानी आता है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम पानी जा रहा है और दिल्ली में कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिक्कत होगी। लेकिन अगर उस परिस्थिति में ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे तो जो दिल्ली वाले पहले ही परेशान हैं, उनको और परेशान किया जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ, और मेरी जो पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, बहुत पॉजिटिव और बहुत कोऑपरेटिव थे वो, तो उन्होंने कहा है कि जो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं वहां पर पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। तो आम आदमी पार्टी और मुझे और अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके संतुष्टि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे नफरत करते हैं, लेकिन वो हमसे नफरत करते करते दिल्ली वालों से भी नफरत करने लगे हैं, क्योंकि आखिरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर एक बार वो हरियाणा की सरकार से बात करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की सरकार पानी छोड़ेगी। हम तो इस पे बहस भी नहीं कर रहे कि किसके हिस्से में कितना पानी है, लेकिन आज दिल्ली में पानी की कमी है। आज वजीराबाद पॉन्ड जिससे यमुना का पानी एंटर करता है वो बिल्कुल खाली है। आज मुनक कनाल में पूरा पानी नहीं आ रहा। आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रॉ वाटर ही नहीं सप्लाई हो रहा, तो पानी की सप्लाई कहां से आएगी दिल्ली वालों के पास। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये समय है दिल्ली वालों के लिए मिलकर काम करने का। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही आग्रह करूंगी कि वो हरियाणा में अपनी सरकार से बात करें और दिल्ली को कुछ और पानी दिलवाएं। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप किसी के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो पाइपलाइन के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस को कुछ खास तरीके लोगों ने वायरल किया कि बहुत लीकेज दिल्ली के अंदर हो रही है, और जितनी बड़ी लीकेज वो दिखाई गई, मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरली हो सकती है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले, वो नट बोल्ट अपने आप कट गए, 6 नट बोल्ट वो किसने काटे, और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उधर दिल्ली के जल संकट को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र सचदेवा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली में आज जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्ट मंत्री और जो इनके विधायक है जो पानी बेचने और चोरी का काम करते हैं, ये संकट उनके द्वारा खड़ा किया गया है। आतिशी इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ जिसने भी जो भी पाइपलाइन तोड़ता वो पाया था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कौन रोक रहा है इनको। लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने दिल्ली को क्या दिया, उसका तो जवाब दो। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए वहां से भी जूते खाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या हुआ उस वादे का?
वो तो जेल में जाके बैठ गया आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका भ्रष्ट प्रशासन करता है। ये संकट पहली बार तो आया नहीं है, हर साल ये संकट होता है, पूरे साल का संकट है। लोग नल खोलते हैं, गटर का पानी आने लगता है। आतिशी जी किसको झूठ बोलना चाहती हैं? आतिशी जी किसको धोखा दे रही हैं? खुद को क्यों धोखा दे रही हैं? दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा अत्याचार। आज आतिशी जी बताएं, श्वेत पत्र लाएं कि 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का। ये सब काम चोर लोग हैं, ये लोग, इनको काम न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ खजाने को लूटने की है, कैसे चोरी कर सकते हैं इसकी नीति है। उसके कारण इन लोगों को सजा भी मिल रही है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। किल्लत आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी, यह प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा अग्रीमेंट से ज्यादा पानी छोड़ रहा है, लेकिन एक दशक के शासन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, उसको 73,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया है। इन्होंने एक दशक से दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी। 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है, या इलीगल टैंकर माफिया जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती सिवा दोषारोपण के। आज इन्होंने गुमराह करने के लिए ये नई एक बनावटी बात जनता के बीच में छोड़ी है, ये सरासर असत्य है। दिल्ली में पानी की परेशानी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आतिशी के आरोपों का पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कमलजीत सहरावत ने जवाब दिया। द्वारका में पानी का टाइम है, तो ये हमने जो वीडियो बनाई है कल शाम की वीडियो है जो मैं अभी आपको दे देती हूँ, यहाँ पर खड़ी होकर हमने इस वीडियो को बनाया है। तो शाम को और सुबह, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है उस पर पानी का फ्लो पीछे से बंद हो जाता है, तो टाइमिंग नहीं है, तो इस वजह से पानी नहीं है। लेकिन जब पानी द्वारका में आएगा तो आधे से ज्यादा पानी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। आतिशी कह रही है कि थाना से वो अपील कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही पानी दे दे हम दिल्ली वालों को। मेरी आतिशी जी से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नहीं, एक दिल्ली की मंत्री होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने दिल्ली जल बोर्ड को संभालिए। आपके यहाँ पर जो इस तरह की वेस्टेज है, दिल्ली की जरूरत का आधा पानी तो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही पानी की वेस्टेज जैसे यहाँ पर है बाकी जगह पर भी है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की जो मंत्री हैं, वो केंद्रीय सरकार को गुहार ना लगाए। केंद्रीय सरकार अपना काम पूरा कर रही है, हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है। दिल्ली में 1,056 MGD की जरूरत है, और अगर आप सप्लाई को देखेंगे तो मात्र 0.5% से 7% की कमी है, लेकिन वो जो पानी है वो इस तरह से वेस्ट हो रहा है। इस वजह से दिल्ली की जनता आज पानी की कमी से त्रस्त है। दिल्ली में गर्मियों में पानी की किल्लत नई नहीं है, दशकों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। दिल्ली में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, ऐसे में अगर कोई शरारती तत्व ऐसे हैं जो पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब खबर आपकी सुरक्षा से जुड़ी। हीट वेव और प्रचंड गर्मी के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ इंसानी बस्तियां या फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि जंगल भी भीषण अग्निकांड के शिकार हो रहे हैं। झुलसाती गर्मी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आग लगने की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। कहीं ओवर हीटिंग के चलते घरों में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, तो कहीं खड़ी खड़ी गाड़ियां आग के हवाले हो रही हैं। लखनऊ के बाजार खाला इलाके में एक लोहे के कारखाने में आग लग गई। अचानक लगी आग के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। और ये हमको सूचना एक मिल रोड खटिया गोदाम एवरेडी के पास में भवानी ट्रेडिंग कंपनी, वहाँ से कोई राहगीर गुजर रहा था, उसके द्वारा देखा गया कि धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई, तो उसने सूचना दी। ये हमको सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से
2 PM पर मिली थी, जिस पर हमारे यहाँ से श्रीमान सिपो महोदय हैं उनके आदेशानुसार कि कोई भी अगर बड़ी एक्सीडेंट होता है तो उस पर तत्काल 2 गाड़ी रवाना की जाएं। तो हम 2 फायर टेंडर लेकर के लगभग यहाँ 2 बजे रवाना हुए और 8 मिनट में लगभग रोड को क्लियर करते हुए पहुँच गए घटनास्थल पर और देखा कि वहाँ पर आग काफ़ी बड़ी हुई है, फैली हुई है। तो 2 यूनिट और चौकसी मांग की, वो भी पहुँची समय पर। नहीं, जनहान तो किसी प्रकार की कोई नहीं हुई है। हम लोगों ने, हमारी यूनिट ने बहुत ही तत्परतापूर्वक अच्छे से कार्य किया, जिसमें किसी प्रकार कोई जनहान नहीं होने पाई और जो लोग थे वो वहाँ से निकल चुके थे। तो हम लोग पहुँच करके तत्काल 2 होसपाइप फैला करके आग को कंट्रोल कर लिया। उधर हरियाणा के झज्जर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी अस्पताल में आग लगी। आग अस्पताल के स्टोर रूम में लगी थी, जिसे दमकल विभाग की मदद से समय रहते बुझा लिया गया। अभी आग लगी है, किस तरह सूचना मिली थी और क्या स्थिति अभी? दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री में रखे सूखी घास में लगी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 35 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। देखिए, इनिशियली मैं 7:15 बजे के करीब हमें कॉल मिली थी कि जी यहाँ घास फूस में आ गए, कूड़े करकट में आ गए। यहाँ आके देखा तो ये फैक्ट्री के अंदर आग थी और अब ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जैसा आप देख रहे हो, आप सीन पे ही हो, 1000 स्क्वायर मीटर के करीब ये एरिया है, ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग है ये, और पूरा इसमें मटेरियल भरा हुआ, जिसमें रॉ मटेरियल भी है, फिनिश्ड वुड भी है और पैकिंग भी इनकी रखी हुई है कुछ। अब ये इसमें ये LED लाइट्स वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो फिनिश्ड गुड भी है, रॉ मटेरियल भी है, पैकिंग मटेरियल भी है, तो सभी उसमें ये आ गए। अभी अंडर कंट्रोल है, हमने इसे कंट्रोल मैसेज दे चुके हैं। लगभग 40 गाड़ी हमारी आई हुई हैं टोटल, और 200 के करीब हमारे आदमी इसका काम कर रहे हैं। चैलेंजेस तो ये है कि हमें इसमें एंट्री नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है और धुआं सारे में भरा हुआ है। तो वो धीरे धीरे अभी हमने एक्सेसिबिलिटी कर ली है, साइड से तोड़ना भी इसको पड़ेगा। पहले हम सोच रहे थे कि तोड़ना ना पड़े, लेकिन अभी तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप JCB आई है, JCB से हमें बहुत लेट मिली है ये, और अब आई है तो अभी ये फंसी हुई है, ड्राइवर लग रहा है कुछ ट्रेंड नहीं है। तो अभी कर रहे हैं इसको आग पर काबू पाने। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कॉज ऑफ फायर, लॉस ड्यू टू फायर कैन नॉट बी असर्टेन्ड। भीषण गर्मी के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बाली तिरसी वन ब्लॉक में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन के वन क्षेत्र में भी आग लगने की घटना घटी। जंगलों में लगी आग पर अगर समय रहते काबू न पाया जाए तो एक के बाद एक कई जंगल इसकी चपेट में आ जाते हैं। आग 2-3 दिन से लगी है, पल्ली साइड से आई है और अब हमारे एरिया में आ गई है, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हम गाँव वासी सब यहाँ आए और हमने इसको बुझाने की कोशिश की, पर हमारे से इसमें काबू नहीं पाया था। और अब ये सोचा कि यहाँ नाली में ये शायद यहाँ कंट्रोल करेंगे हम सड़क के साथ, अब ये कंट्रोल नहीं हो रही हमारे से, पर हो जाएगी इतना। तो फॉरेस्ट वाले भी कोई आए हैं? फॉरेस्ट वाले भी आए हैं राउंड का मार्ग, और ये यहाँ कंट्रोल हो जाएगी आगे जंगल में मिल जाए ऐसा बोलते हैं राउंड मार्ग। क्या किस कारण लग रही है, अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाता है तो उसको मतलब उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? आप देख रहे हैं अभी हम दौड़ के गए थे ऊपर, अगर 2-3 पक्षी उधर दौड़ रहे थे, अभी हम आग तो बचा नहीं सकते हैं कि 2 आदमी क्या करेंगे इतने बड़े जंगल में और इतनी आग लगी हुई है। तो हम क्या गए कि मतलब चलो वो उसके बच्चे होंगे पक्षियों के तो उनको उठा लेते हैं, मगर जो है तो मैं बोलता हूँ ये घिनौना काम है जो ऐसा काम कर रहे हैं जो आग लगा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे पक्षी हैं। आपने देखे नीचे मोर कितने चला रहे थे, जंगली मुर्गे हैं वो इतने चला रहे थे क्योंकि पूरा जंगल जल गया है। वो बड़े बड़े तो ऊपर पेड़ों पे बैठ गए होंगे, मगर छोटे बच्चे सब उनके आग में राह हो गए। जहाँ जहाँ पे हमारे लोगों का सहयोग मिल रहा है हम फायर को बहुत जल्दी ही बुझा पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक लंबा ड्राई सीजन हुआ है तो उसके चलते अभी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, और अभी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि आंधी भी बहुत बढ़ गई है। तो जब आंधी होती है तो उस टाइम पे आग की लपटें चारों दिशाओं में फैलती है, जिसके चलते आग को बुझाने में थोड़ा सा मुश्किलें आती है। जहाँ पे रोड हेड होता है तो उधर पे हम कोशिश करते हैं कि फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के जरिए पानी की गाड़ी लेकर के उसको बुझाया जा सके।
जी हमारे पास जैसे काली में कल रात को थी, उससे पहले वाली रात को भी थी, उसी तरीके से हमारे पास एक बाली तिरछी एरिया है उधर पे भी आग है। सिमिलरली चरत पखलाई में एक जगह पे, तो तीनों जगह पे स्टाफ मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को के सहयोग से और बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग से इस आग पे काबू पा लेते हैं। और हमारे जो सिस्टर विंग्स हैं सोशल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। देश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी ने वैसे ही लोगों को झुलसा रखा है। ऐसे में जरा सी लापरवाहियों के चलते हो रही आग लगने की घटनाओं ने मुसीबत और बढ़ा दी है। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। तो घरों में बिजली उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान एहतियात बरतें और अगर हो सके तो अग्निशमन की व्यवस्था की भी कोशिश करें। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।